सबसे पहला सवाल सुजीत जी से। सुजीत जी, जौन उपचुनाव भइल हा ओके तनी बता दी कहाँ कहाँ भइल हा, का बुझाता, हवा केने बहता, पछुआ पूर्व कुली मिला के समीकरण मिश्री वाला का कहल जाता? देखिए, उपचुनाव में तो बड़ा एथी होकेला मुश्किल की भाई हवा देखल, लेकिन फिर भी हमने के कोशिश कैले बानी। चुनाव जो भइल रहे रामगढ़ में, तरारी में, इमामगंज में और बेलागंज में, ओमे समझ ली कि जो चार गो सीट बा, चारों समझ ली कि जगह जो टीम ना वाला सेमीफाइनल में चार गो, वही लेखा मान के चली थी। सेमीफाइनल एक मानल जाता अगला साल जो विधानसभा के घमासान चुनाव हो वाला बा, तो वही ये चारों से ये आके के कोशिश करता सब पार्टी कि हम कितना पानी में बानी। तो एला पूरा जी जान से मतलब लागर लख सब लोग, जे भी पार्टी रहे, जे भी गठबंधन रहे। हालांकि बीच में दिवालियो आयल, छठो आयल, छठ तो बुझबे करते नहीं कितना बड़ा पर्व बिहार ला, बिहार का पूरा देशे ला। बिल्कुल सही बात। तो ओकरा बाद भी लोग जे नेता लोग बड़ा एकदम गाँवे गाँवे नगरी नगरी एकदम घूमत रहे, खेत खेत में मेड़ पर चल के मतदाताओं के भाई हमरा के भाई बढ़िया से वोट दो ताकि विधानसभा चुनाव में हमर जो दावा जे बा थोड़ा पुख्ता होके, थोड़ा मजबूत होके। तो एला खूब मेहनत कैलक लोग, और ओमें हम कहें कि गठबंधन दू गो बढ़ले बा, ओमें तीसरा कौन बड़ा जनसुराज प्रशांत किशोर के, प्रशांत किशोर और ही रगड़ के मेहनत कैले हैं चारों विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव में। और सबसे बड़ी बात का बा कि उनका थोड़ा ज़्यादा टाइम मिलल, क्या कि वो पहले से अपन मन बना ले रहे हैं। जब लोकसभा के चुनाव भइल आ चार गो विधायक सांसद बन गए तो समझ गए कि चार गो सीटवा तो खाली होकबे करी, तो ऊपर वो जूने से उनकर पार्टी लग गई रहे, तो पहले से वो मतलब प्रचार में बहुत लोग आगे रहे और गठबंधन की अपेक्षा। और गठबंधन में तो ये दिक्कत रहे कि भाई के उम्मीदवार बनी, केकरा के टिकट मिली, ओकरा बाद चुनाव प्रचार शुरू हुई। तो लेकिन प्रशांत किशोर के पार्टी में ये दिक्कत ना रहे, तो मेहनत पूरा कैलक। अब ये चारों विधानसभा बा जो में उपचुनाव भइल हो, ओमे समझ ली कि तीन गो सीटिंग महागठबंधन करलक आ एगो एनडीए के। तो महागठबंधन के लिए एक बड़का चुनौती बा कि कम से कम तीन सीट रिटेन करी और ना तो कम चौथो ले ली, तब जाके अगला चुनाव में बड़ा अच्छा माहौल दिखाई दी महागठबंधन ला, आरजेडी ला। लेकिन अगर हमनी के बात करी सर एक सीट लेके तो काफी लंबा हो जाई। बिल्कुल। लेकिन जे स्थिति दिखाई दे रहा बा चुनाव के बाद से जे आकलन करता लोग, वो हिसाब से अगर हमनी के देखी तो महागठबंधन आ एनडीए एकर आकलन तो हमनी कर तनी सो काफी समय से चुनाव हमनी के देख रहा बानी, ओकर परिणाम देख रहा बानी, ओकर के वोट बैंक बा, वोट बैंक का होला, जाति कौन कौन जाति के संगे बा, कौन गठबंधन के लगे। लेकिन जन सुराज के बारे में ये आकलन अभी देखे लागल, काहे कि कोनो एगो पुख्ता कोनो एगो वोट बैंक अभी जन सुराज के लगे नहीं खे, ओ लखा माने केहू के पकड़ना पहले, चाहे युवा होके, चाहे माने कौन जाति बा, चाहे केकरा पर फोकस बा। ठीक बा। हां हां, अनिल जी कुछ बोलल छात्र हैं। कैसे कि आपका आवाज हमारे पास लेके आवत त हम इसे क्यों लाल करब हमारे हिसाब से। हम कहते हैं कि बिहार के चुनाव है ना परंपरागत रूप से ना परिवारवाद का नाम बहुत जुड़त रहा कि मुद्दा बहुत रहा परिवारवाद। लेकिन ए बारी का भाई भैया ए बारे की तुम्हें कहा है परिवार के अपने देव, हम दे ताल ठोक के ना हर के अपनी अपनी पार्टी में परिवारवाद, कहीं चाहे बेलागंज का देख ला, चाहे रामगढ़ का देख ला, चाहे उन्हीं इमामगंज का देख ला, हर जगह परिवार 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 चलल बा। हमके समझ में ना होता कि भैया सबके ही तो भावे ला कि मन मने भावे या मुड़िया हिलावे ना। मतलब ये परिवारवाद कहाँ गए सुजीत भाई? हम जाना तो से कि रिजल्ट का होता, हमके तो लगा था वैसे जनसुराज। दूसरी बात ये सवाल और जोड़े अनिल जी, अनिल जी दूसरी बात की हमके लागत रहा कि जनसुराज पार्टी करी का, लेकिन हमके लागत अनिल जी को छोड़ दला तरारी जे बा, लेकिन एक चीज में जे बीजेपी के उम्मीदवार बा, बोला तो हमके हां सुजीत जी हां, बीजेपी के उम्मीदवार जे हुए मतलब तरारी के बारे में तीन गो के नाम तो ले लें परिवारवाद पर, लेकिन तरारी में जो बीजेपी के उम्मीदवार बा वो परिवारवाद है।
सुनील पांडे के बेटा विशाल प्रशांत, ठीक बा ना, तो परिवारवाद के स्थिति में ए बेर कि केहू पार्टी केहू दूसरा के दूसरे के स्थिति में नहीं खे कि हम बड़ा साफ बनी कोसे की स्थिति में नहीं खे, बल्कि हमारा बुझाता कि और सीखत रह लो परिवारवाद, परिवारवाद के नारा लगाई के विरोध में आ खुदे जोन में उतार देते रहो तो मैंने सीखा तरह लो ऐसे बताई ना अब बताई कि चार गो ना चार गो जो खाली भइल सीट सांसद बनल और चारों के केहू के भाई केहू के बेटा तो केहू के बहू यही ना उम्मीदवार भइल ह। आ एगो बात हम एमे कहें कि सीपीआई एमएल जे बा सुदामा प्रसाद वो भी सांसद भइले लेकिन वो अपना कोनो परिवार के खड़ा ना कइले, तो उनका के माने के पड़ी भाई कि लेफ्ट पार्टी परिवारवाद के बढ़ावा ना देलक, बाकी सब तो देवे के लग लो बढ़ावा। अच्छा ठीक बा, तरारी पर कहते हैं कि वो पानी जी जनबा अपन बेटा के तो खड़ा कर लेनु लेफ्ट वाला सांसद अपन अपना धर लेफ्ट में, तो भाई लेफ्ट का अलग हिसाबे किताब होला। लेफ्ट का पार्टी मतलब सबसे आइडियलिस्टिक पार्टी अगर इंडिया में अगर क्यों ना तो लेफ्ट पार्टी है, लेकिन अलग बात है कि ओकर कब लोग लेफ्ट कह के कि राइट का हो गेला फिर लेफ्ट नहीं, अलग बात है कि भाई जन के जनाधारे उतना नहीं के जन के सीटें ना मिलेला और हमके लगा था कि तरारी में से जीत जाए असहमत तो पार्टी पे हमके लगा था कि तरारी में पर जीत जाए, लेकिन देश वाइज अगर देखा जाए पूरा नेशन वाइज तो जोरी पार्टी के केवल काडर हुए नहीं हुए अब पहला बड़े पूरा काडर वाला काडर कभी हमको तू बीजेपी का काडर कहला भाई कभी तू आरजेडी का कह देबा कह देबा कह देबा कि सीपीआई माले का हुआ तो हम ओके तो ना माने, लेकिन जन सुराज पार्टी लेकिन माले वाले भाई लोग सीपीआई कुल लेफ्ट वाला सुनत हुए तो अब खुश हो गए कि पहला बार जन बा अनिल बाबू जन एकदम ले ले बड़े हमारे समर्थन सिद्धांतवादी पार्टी था इतना माने बड़ी ताल ठोक के।